नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। एसडीएम ज्योति मौर्या और सफाई कर्मी पति आलोक मौर्या के तलाक को फिर एक बार नई तारीख मिल गई है और इस तारीख ने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के इंतजार की घड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि जितनी देरी तलाक में होगी उतनी ही देरी से ज्योति मौर्या और मनीष का साथ आ सकेंगे। मतलब जब तक तलाक नहीं तब तक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं। दरअसल 22 सितंबर 2023 को फैमिली कोर्ट में एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्या का तलाक होते होते रुक गया। आलोक ने पहले कह दिया था कि वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे में आलोक सुनवाई के दिन कोर्ट नहीं पहुंचे। आलोक मौर्या के वकील ने कोर्ट में कहा कि आलोक कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हाजिरी माफी कोर्ट को दी गई, जिस कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 अक्टूबर दे दी गई थी। एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या ने कई संगीन आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद ये केस लाइमलाइट में आ गया था। आलोक मौर्या एक सफाई कर्मचारी है, जबकि उनकी पत्नी ज्योति मौर्या एसडीएम है। आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उनका होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों मिलकर उन्हें मरवाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आलोक मौर्या ने ज्योति मौर्या पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। पूरे देश के आगे आलोक एक बेचारा पति के रूप में सामने आए, जिसने अपनी ही पत्नी को पढ़ा लिखा करके अफसर बनाया और वो पत्नी अफसर बनने के बाद अपने पति को धोखा देती है, उसके कर्मचारी होने पर उसका अपमान करती है। वहीं आलोक ने शिकायत दर्ज कराई कि पत्नी ने एसडीएम पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया है, जिसकी वजह से आय से अधिक संपत्तियों की मालिक है। हालांकि आलोक ने अपनी शिकायतों को वापस ले लिया है। आलोक का कहना है कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए एक बार फिर से ज्योति के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। वहीं ज्योति ने भी अपने पति आलोक पर और पूरे ससुराल पर लाखों रुपए मांगने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। ज्योति ने अपनी शिकायत में लिखा कि पति ने स्कॉर्पियो की भी मांग की थी और काफी समय से परेशान कर रहा था। तो वहीं पर एसडीएम ज्योति मौर्या के साथ अवैध संबंधों को लेकर के खबरों में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर भी कई आरोप लगाए गए थे। महोबा के होमगार्ड मनीष दुबे के खिलाफ दर्ज केस भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, जिसके बाद से माना जा रहा है कि ज्योति और आलोक का तलाक होते ही मनीष दुबे और ज्योति मौर्या अपनी एक अलग जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मनीष दुबे ने पहले ही अपनी पत्नी से तलाक ले रखा है, ऐसे में सिर्फ ज्योति के तलाक का इंतजार मनीष को है, जिसके बाद दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन अब फिर से 26 अक्टूबर तक इंतजार मनीष को करना होगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।